फिर मजबूर हो गया हूं आपका प्यार पाने के बाद कि आपको हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी नई जानकारियां दूं जो आपको हमेशा अपडेट रखें, और अपडेट रखना भी चाहिए क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप मेरे व्यूअर्स हो और व्यूअर्स के लिए मेरी जिम्मेदारी बहुत बड़ी बनती है। दोस्तों अब जानकारी सिर्फ इतनी है, इतनी नहीं है, बहुत बड़ी है। शुरुआत करना चाहूंगा एक शेर के साथ, और वो शेर है, सुना है शहंशाह के बाल अचानक एक रात में हो गए सफेद, सुना है शहजादा हो गया है जवान। जी हाँ दोस्तों, इसके मतलब कुछ भी निकालते रहिएगा, कुछ भी एनालिसिस करते रहिएगा, लेकिन सही बात तो यह है कि राहुल गांधी ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है, जबकि मोदी मीडिया इस चक्कर में है कि वो हमेशा जोर देता है अपनी बहसों पर कि गठबंधन नहीं किया तो कांग्रेस हार जाएगी। याद कीजिए छत्तीसगढ़, वहां भी यही बात चलती थी कि गठबंधन नहीं किया तो कांग्रेस हार जाएगी, लेकिन वहां हम जो भी कांग्रेस थी वो एक थंपिंग मेजोरिटी के साथ लौट के आई, और राहुल गांधी ने अपने आप को प्रूव किया छत्तीसगढ़ के अंदर। और आज सबसे बड़ी खुशी की यह बात है कि जो तीनों राज्यों में मंत्रिमंडल का गठन हुआ है उसमें 70% भागीदारी युवाओं की है। युवाओं के देश में युवाओं की भागीदारी जब आ जाए तो समझिए कि सवेरा होने वाला है, अंधेरी काली रात जाने वाली है और कुछ अच्छे दिन अब आने वाले हैं। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जो है तीनों राज्यों में कुछ ना कुछ असंतुलन पैदा करना चाह रही है। जो केंद्र की तरफ से सप्लाई आती है खाद की, कोयले की, उसको बाधित कर रही है, चाहे वो राजस्थान हो चाहे वो मध्य प्रदेश हो, क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो कोयला ऑलरेडी उनकी खदाने उनके पास है, यूरिया वहां भी नहीं पहुंचा है। अब देखते हैं कि किसानों के हित प्रेमी ये केंद्र सरकार कितनी है, कितने अपने वादे पूरे करती है उन सरकारों के साथ, जिन सरकारों के लिए मोदी जी भाषणों में बोलते थे कि मैं किसी सरकार के साथ भेदभाव नहीं करूंगा, जैसा भेदभाव मेरे साथ हुआ, ये हुआ वो हुआ, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन मोदी जी की एक तस्वीर में यह दिखाना चाहूंगा, आप चाहें तो तीन तलाक के बल पर हंस सकते हैं, क्योंकि तीन तलाक का कल मुद्दा फिर से आने वाला है संसद में, और उस तीन तलाक पर मेरी एक ही कहावत है, कोई औचित्य नहीं लगता, ना बजरंगबली कोई औचित्य लगते। जिस तरह की ये चीजें मीडिया दिखाता है, मैंने तो मीडिया देखना बंद ही कर दिया है, जो सोशल मीडिया में देखता हूं वही आपके बीच ताजा ताजा परोस देता हूं। दोस्तों तो बात चल रही थी राहुल गांधी जी की और मंत्रिमंडल की, जो युवा मंत्रिमंडल तय हुआ है, इससे तीनों प्रदेश के युवाओं को कुछ आशाएं हैं, मैं चाहता हूं कि वो आशाएं जरूर पूरी होंगी। मध्य प्रदेश में जयवर्धन सिंह हैं, सचिन यादव हैं, और भी कई सारे ऐसे नेता हैं जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जिनमें पीसी शर्मा है, तुलसी सिलावट है, ये वो लोग हैं जिन्होंने कार्यकर्ता रहते हुए अपना खून कांग्रेस के लिए दिया है। राजस्थान में भी इसी तरह के मंत्री लाए गए, युवा मंत्री लाए गए, उनका एक वीडियो आप देख लीजिएगा जो मैंने 22 ओवर करके डाला है। आपको भी उम्मीद जगी हुई कि देश सही दिशा में है, राहुल गांधी का नेतृत्व सही दिशा में है। पसंद आया हो तो जरूर शेयर कीजिएगा और भक्तों की आत्मा जरूर जलाइएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।